चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स 11 ट्वेल्थ में हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोबेबिलिटी में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। क्वेश्चंस को वो सॉल्व करते हैं, रैंडमली कोई फार्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाता है, कहते हैं जी हमसे सॉल्व हो गया, नहीं आता कहते हैं जी सॉल्व नहीं। लॉजिकली वह श्योर नहीं होते कि किसी क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए। इसका रीजन क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता। अगर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो एग्जैक्ट वह श्योर होते कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए। ठीक, तो यहां अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वह प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि यही आपके सिलेबस में भी है। 11th 12th में हम थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ते हैं, लेकिन वह तभी थ्योरम क्लियर होता है, थ्योरम का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब आपका प्रोबेबिलिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अभी जो हम पढ़ने वाले वह बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो स्टेटमेंट्स यूज होने वाले हैं वह सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो वन बाई वन देखते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है क्या। चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट के हैपन होने के चांसेस जो न्यूमेरिक वैल्यूज में आप रिप्रेजेंट कर दें उसी को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। किसी भी इवेंट या स्टेटमेंट के हैपन होने के चांसेस जो न्यूमेरिक वैल्यूज में कैलकुलेट किए जाएंगे, लिखे जाएंगे, वही प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद जरा सोचे थोड़ी देर के लिए कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ में जितने स्टेटमेंट्स या इवेंट्स हैं सभी के हैपन होने के चांसेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स होते हैं जिसके हैपन होने के चांसेस हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वह 100% श्योर होते हैं। और कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स होते हैं जिन जो 100% इम्पॉसिबल होते हैं, उनके भी हम चांसेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक सर्टेन या श्योर स्टेट इसलिए नहीं क्योंकि वह तो 100% श्योर है, उसके चांसेस कुछ होंगे नहीं, वह तो होगा ही होगा। दूसरा इम्पॉसिबल, उसको हम कैलकुलेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हम 100% श्योर हैं कि वह पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मीनिंग ये दो स्टेटमेंट्स ऐसे बने जिसके चांसेस हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके चांसेस होते नहीं है, क्योंकि 100% फिक्स होते हैं। तो वो जो 100% फिक्स हैं हम उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हुए? दो। कौन? एक सर्टेन और दूसरा इम्पॉसिबल। सर्टेन मीनिंग श्योर। तो किसी भी सर्टेन स्टेटमेंट या इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन और किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट, आप इवेंट लिखें या स्टेटमेंट लिखें, दोनों की मीनिंग एक ही है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है जीरो। अब ये दोनों क्योंकि फिक्स हैं और प्रैक्टिकल लाइफ के सारी स्टेटमेंट्स इन दोनों के बीच में ही होते हैं, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जीरो और वन के बीच में ही होती है। आप किसी भी स्टेटमेंट या इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करें तो वह जीरो और वन के बीच में ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी सर्टेन और इम्पॉसिबल के बीच में ही वह सारी स्टेटमेंट्स लाइक रहेंगे। अगर आप किसी भी स्टेटमेंट या इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं या फाइंड करते हैं तो लिखने का तरीका क्या है? आपको लिखना है P ब्रैकेट में वह स्टेटमेंट या इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना चाहते हैं। तो यहां आप लिख लेंगे इवेंट्स या स्टेटमेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना चाहते हैं और इसके आगे वह न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे जो उस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी के लिए बनेगा। तो लिखने का तरीका यह है। अब प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका यूज हम बार बार करेंगे, तो पहले उन वर्ड्स को अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं वो वर्ड्स क्या हैं जिससे प्रोबेबिलिटी समझना आसान हो जाए। तो उसमें पहला वर्ड आता है एक्सपेरिमेंट। पहला वर्ड है एक्सपेरिमेंट। दूसरा वर्ड है
इवेंट्स और एग्जॉस्टिव केसेस। इवेंट्स और एग्जॉस्टिव केसेस। थर्ड है इक्वली लाइकली। फोर्थ वर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और फिफ्थ है सैंपल स्पेस। ये फाइव वर्ड्स ऐसे हैं जिनका यूज आप इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। तो अब हम पहला वर्ड देखते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एनी ऑपरेशन दैट रिजल्ट्स इन टू और मोर देन टू आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एनी ऑपरेशन दैट रिजल्ट्स इन टू और मोर देन टू आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। कोई एक ऐसा वर्क या कोई एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें मिनिमम टू आउटकम्स हो, मैक्सिमम जितने चाहे हो, उस वर्क को, उस ऑपरेशन को एक्सपेरिमेंट कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन टॉस किया। एक कॉइन टॉस करने पर क्या क्या आते हैं, हेड और टेल। ये दोनों क्या हैं, आउटकम्स। जो जो आता है उस वर्क को करने पर वही आउटकम्स कह जाते हैं। और अगर टू या उससे अधिक आउटकम्स आ जाते हैं तो उस वर्क को एक्सपेरिमेंट कर दिया जाएगा। डाइस हमने रोल किया एक। अगर एक डाइस हमने रोल किया तो आउटकम्स कितने आते हैं, सिक्स। सिक्स में से ही तो कोई एक आता है ना। लूडो, लूडो का डाइस आपने रोल किया तो वन से सिक्स के बीच में ही आता है, कोई भी एक आ सकता है। तो आउटकम्स तो सिक्स हुए ना। तो अब ये तो आउटकम्स दो से अधिक है, तो इसकी मीनिंग ये है डाइस रोल करने का वर्क भी एक्सपेरिमेंट माना जाए। एक कोई क्लासरूम है उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, हमने एक किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। तो अब जो एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाएगा वो उन 30 में से कोई भी एक हो सकता है ना। तो इसकी मीनिंग 30 आउटकम्स हो गए। तो क्लासरूम में से जिसमें 30 स्टूडेंट्स थे, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का वर्क एक्सपेरिमेंट कर दिया जाएगा। मिनिमम टू हो, मैक्सिमम जितने भी चाहे यूज कर लो, वह सभी वर्क एक्सपेरिमेंट। एक प्लेइंग कार्ड से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया। अब प्लेइंग कार्ड से एक कार्ड ड्रॉ करने पर 52 आउटकम्स बनते हैं, क्योंकि वह कार्ड जो आप ड्रॉ करेंगे वह उन 52 में से कोई भी एक हो सकता है। तो प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ करने का वर्क भी एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम करो कि अगर एक कॉइन ऐसा मिल जाए आपको जिसमें दोनों तरफ हेड बने हो और आपने उसे टॉस कर दिया, क्या उस कॉइन को भी एक्सपेरिमेंट में रखा जाए? नहीं, क्योंकि टू आउटकम्स नहीं है, एक ही आउटकम है। अब सिंगल आउटकम के केस में उस वर्क को एक्सपेरिमेंट हम नहीं मानते। तो इसलिए मिनिमम टू आउटकम्स के साथ जो नॉर्मल कॉइन होता है हम उसे एक्सपेरिमेंट में ले सकते हैं, उसे एक्सपेरिमेंट में लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड, इवेंट्स और एग्जॉस्टिव केसेस। वन आर मोर पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। वन आर मोर पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। ध्यान से सुनो, जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है उसमें जो जो आते हैं, जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है उसमें जो जो आते हैं, जो आउटकम्स आते हैं, वह सभी आउटकम्स इवेंट्स कहे जाते हैं। और हम केवल इवेंट्स की ही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। एक कॉइन आपने टॉस किया, कॉइन टॉस करना एक्सपेरिमेंट है, हेड और टेल ये दोनों इवेंट्स हैं क्योंकि यही दो आते हैं। एक डाइस आपने रोल किया, रोल करना एक्सपेरिमेंट, वन से सिक्स तक आना ये सभी इवेंट्स हैं। और हम इनमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। एक क्लासरूम है उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, उन 30 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। इवेंट्स क्या हैं, जो उस क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स के नाम हैं वो नाम इवेंट्स हैं, और हम केवल उन नाम में से किसी एक नाम की ही प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ये इवेंट्स हैं। एक प्लेइंग कार्ड से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, एक्सपेरिमेंट हो गया। 52 जो कार्ड्स हैं प्लेइंग कार्ड में वो सारे इवेंट्स हैं, अब केवल उन्हीं में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये मान लो, अगर एक डाइस रोल किया गया उसमें कहा गया 7 आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, डाइस में तो 6 ही होते हैं, 7 तो होता ही नहीं है, तो अब 7 को क्या माना जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, तो हमें इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका आंसर 0 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, इक्वली लाइकली। जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है उसमें जो जो इवेंट्स आते हैं, अगर उन सभी इवेंट्स के आने के चांसेस इक्वल हो जाए
दिस इज इक्वली राइटली। समझो मैं क्या कह रहा हूं, जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है उसमें जो जो इवेंट्स आते हैं, अगर सभी इवेंट्स के आने के चांसेस इक्वल हो जाए, दिस इज इक्वली राइटली। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वाइन टॉस किया हमने, क्वाइन टॉस करना एक्सपेरिमेंट, हेड और टेल आना इवेंट्स। अब हेड आने के जितने चांसेस हैं उतने ही टेल के, दिस इज इक्वली राइटली। एक डाइस हमने रोल किया, रोल करना एक्सपेरिमेंट, वन से सिक्स तक आना ये इवेंट्स हैं, और डाइस में वन आने के जितने चांसेस उतने ही थ्री, उतने ही फाइव, उतने ही सिक्स, दिस इज इक्वली राइटली। प्रैक्टिकल लाइफ के जो एग्जांपल्स बताए जाते हैं वो क्वाइन और डाइस ही बताए जाते हैं, आप किसी दूसरे एग्जाम्पल को क्रिएट कर सकते हैं। मान लो हमने कुछ बॉल्स का एग्जाम्पल लिया, मान लो हमने 10 बॉल्स का एग्जाम्पल लिया, और ये 10 जो बॉल्स रखे हुए हैं सभी 10 अलग अलग कलर के रखे हुए हैं, सभी सिंगल कलर है अलग अलग। अब उसमें से हम अगर किसी एक बॉल को ड्रॉ करते हैं तो ये एग्जाम्पल भी इक्वली लाइकली को ही डिफाइन करता है, क्योंकि अगर सभी सिंगल सिंगल कलर के हैं तो किसी एक को भी हम निकालें चांसेस उतने ही होंगे। लेकिन ये हमने क्रिएट किया है, ये नॉर्मल केस नहीं है, लेकिन क्वाइन और डाइस ये नॉर्मल केस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि प्लेइंग कार्ड का एग्जांपल भी इक्वली लाइकली को बताता है, जबकि ये सही नहीं है। प्लेइंग कार्ड का एग्जांपल इक्वली लाइकली को नहीं बताता, क्योंकि प्लेइंग कार्ड के जो 52 कार्ड्स हैं सभी के आने के चांसेस इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड का जो एग्जांपल है वो अलग है, इक्वली लाइकली के एग्जांपल में डायरेक्ट आप क्वाइन और डाइस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखें इसे, किसी एक एक्सपेरिमेंट में दो या उससे अधिक इवेंट्स या स्टेटमेंट्स दिए गए हों और उसमें कोई एक ही हैपन हो, वह एग्जांपल, वह केस इक्वली राइटली का बनता है। एक बार फिर समझे मैं क्या कह रहा हूं, किसी एक एक्सपेरिमेंट में दो या उससे अधिक स्टेटमेंट्स या इवेंट्स दिए जाए और उसमें कोई एक ही हैपन हो, एक साथ दोनों हैपन ना हो, एक साथ एक से अधिक हैपन ना हो, वह एग्जाम्पल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वाइन टॉस किया हमने, क्वाइन टॉस करना एक्सपेरिमेंट हो गया, मैंने कहा हेड आ जाओ और टेल आ जाओ, भी हेड आएगा तो टेल नहीं, टेल आएगा तो हेड नहीं, दोनों एक साथ हैपन कभी नहीं हो सकते, कोई एक ही हैपन होगा, दिस इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। एक डाइस हमने रोल किया, रोल करना एक्सपेरिमेंट है, मैंने कहा टू आ जाए और फाइव आ जाए, बट टू आएगा तो फाइव नहीं, फाइव आएगा तो टू नहीं, दिस इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ठीक है। एक कोई क्लासरूम है, उसमें कोई एजुकेशन का क्लासरूम है, बॉयज और गर्ल्स दोनों साथ साथ बैठे हैं, हमने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, एक्सपेरिमेंट तो हो गया, मैंने कहा जाइए बॉय हो जाए और गर्ल हो जाए, भाई बॉय होगा तो गर्ल नहीं, गर्ल होगा तो बॉय नहीं, दोनों एक साथ हैपन नहीं हो सकते, तो ये एग्जाम्पल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को बताता है। एक बार फिर समझ लें म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, एक्सपेरिमेंट एक, उसमें दो या उससे अधिक स्टेटमेंट या इवेंट एक साथ दिए जाए और उन दोनों में या मोर देन टू में एक ही हैपन हो, एक साथ एक से अधिक हैपन ना, वही एग्जांपल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को बताता है। नेक्स्ट सैंपल स्पेस, एक से अधिक एक्सपेरिमेंट्स के करने पर उनके पॉसिबल आउटकम्स का मल्टीप्लिकेशन सैंपल स्पेस कहा जाता है। एक से अधिक एक्सपेरिमेंट्स के करने पर उनके पॉसिबल आउटकम्स का मल्टीप्लिकेशन सैंपल स्पेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टू क्वाइंस हमने टॉस किया, फर्स्ट क्वाइन पर पॉसिबल आउटकम्स टू, दूसरे क्वाइन पर पॉसिबल आउटकम्स टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन फोर, दिस इज सैंपल स्पेस। थ्री क्वाइंस हमने टॉस कर दिया, थ्री क्वाइंस अगर हम टॉस करते हैं तो पहले क्वाइन पर पॉसिबल आउटकम्स टू, दूसरे पर टू, तीसरे पर टू, इनका मल्टीप्लिकेशन टू क्रॉस टू क्रॉस टू, एट, दिस इज सैंपल स्पेस। दो डाइसेस हमने रोल किया, फर्स्ट डाइस पर पॉसिबल आउटकम सिक्स, दूसरे पर सिक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36, दिस इज सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए जाए, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं जिसमें सैंपल स्पेस को डिफाइन करने के लिए कहा जाए। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं टू क्वाइंस का। टू क्वाइंस पर अगर हम सैंपल स्पेस को डिफाइन करें तो टू क्वाइंस के पॉसिबल आउटकम्स कितने कितने मिलेंगे, जरा देखो। पहला, एक पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, दूसरा एक पर हेड एक पर टेल,
नेक्स्ट एक पर एक पर टेल एक पर हेड, नेक्स्ट एक पर टेल एक पर टेल। टू कॉइंस के केस में अगर हम सैंपल स्पेस को डिफाइन करें तो केवल फोर बनेंगे, और अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चेक करें तो टू क्रॉस टू तभी तो फोर ही बनता है। ये है उसका एक्सप्लेनेशन सैंपल स्पेस का, इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर हम थ्री क्वांस की बात करें तो हम सबसे पहले चेक कर लें कि थ्री क्वांस के केस में सैंपल स्पेस एट बनेंगे, टू क्रॉस टू क्रॉस टू। अब बनेंगे कैसे वो हम जरा देखते हैं। हेड 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 एच डी एच एच टी टी एच एच टी टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी, टोटल कितने बने एट। चेक करके देखो थ्री क्वांस के केस में सैंपल स्पेस एट ही बनते हैं। अगर हम टू डाइसेस का एग्जांपल लें, अब टू डाइसेस के केस में ये तो हमें पता है 36 सैंपल स्पेस बनेंगे, उसको डिफाइन कैसे करें, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इसका बड़ा सिंपल सा वे जरा देखो। अगर ये वे हम यूज ना करें तो कंफ्यूजन हो कि कुछ एक मिस हो जाएंगे, कुछ एक से अधिक बार काउंट हो जाएंगे, तो सिस्टमेटिक एग्जैक्ट कैसे मिले इसके लिए देखें आप। तो सबसे पहले आप क्या करो, सिक्स ब्लॉक्स बना लो कॉलम वाइज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ऐसे ही सिक्स रोज बना लो। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि ये तो हम श्योर हैं कि 36 बनेंगे टोटल, 36 आउटकम्स बनेंगे टू डाइसेस के रोल में जो हम सैंपल स्पेस के लिए यूज करने वाले हैं। अब जरा देखो, पहले पर वन आ जाए, दूसरे पर भी वन आ जाए, पहले पर वन दूसरे पर टू, एक पर आप वन फिक्स कर दो, दूसरे डाइस पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिखते चले जाओ, वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स। दूसरे केस में पहले डाइस पर टू फिक्स कर दो, अब दूसरे पर वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स। फिर पहले पर थ्री फिक्स कर दो, थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स। फिर नेक्स्ट केस में एक पर फोर फिक्स कर दो, नेक्स्ट पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सब यूज कर लो, फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स। पहले पर आप फाइव कर दें नेक्स्ट केस में, दूसरे डाइस पर वन से लेकर सिक्स तक यूज कर लें, फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव 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 सिक्स। और नेक्स्ट में पहले पर सिक्स आप कर लो, सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स सिक्स, ये 36 बन जाएंगे। ये बनाना कंपेरेटिवली इजी है, और इसमें आप ये देखें कि कोई भी नंबर हम भूलेंगे भी नहीं, उसके चांसेस बहुत ही कम हैं, कोई रिपीट भी नहीं हुआ है, सही एग्जैक्ट हमने सैंपल स्पेस को डिफाइन किया। कब, जब टू डाइसेस रोल किए जा रहे हैं। थ्री डाइसेस में टू वन सिक्स बनेंगे, क्यों सिक्स किंतु सिक्स इंटू सिक्स, हमें उसकी जरूरत नहीं। तो जनरली जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपको इस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो टू क्वाइंस मिल सकते हैं, थ्री क्वाइंस मिल सकते हैं, और टू डाइसेस सैंपल स्पेस पे बेस पर क्वेश्चंस बनेंगे। तो हमने क्या सीख लिया, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सर्टन और इम्पॉसिबल क्या है, और ये फाइव वर्ड्स जो हमें यूज करने हैं इस चैप्टर। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी की एक और डेफिनेशन, जिसे कहीं कहीं बुक में लिख दिया जाता है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप केवल डेफिनेशन ही लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्वेश्चन तुरंत रेज हुआ कि भाई एक डेफिनेशन तो पहले लिखा था, ये कौन सी डेफिनेशन आ गई। भाई ये डेफिनेशन बताता है कि प्रोबेबिलिटी है क्या। अब जो डेफिनेशन मैं बताने वाला हूं वो यह है कि प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उस फॉर्मूले को भी प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में ही बता दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम जो लिखने वाले हैं वह है प्रोबेबिलिटी के लिए मॉडर्न डेफिनेशन आप लिखें या डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके डेफिनेशन में कहा जाता है
प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो अब उस स्टेटमेंट को हमने इस फॉर्मूले में लिख दिया, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. ऑब्लिक सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस केवल इसलिए लिखा हुआ है कि जब दो या उससे अधिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे तो उस केस में हमें पॉसिबल आउटकम्स के जगह पर सैंपल स्पेस यूज करना होगा, और जब एक सिंगल एक्सपेरिमेंट होगा तो उस केस में हम पॉसिबल आउटकम्स को ही यूज करेंगे. ये ध्यान रखें. अच्छा, फेवरेबल के, फेवरेबल क्या होते हैं? फेवरेबल की मीनिंग ये होती है कि जिस स्टेटमेंट या जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कितने हैं, दिस इज फेवरेबल. जैसे एक कोई क्लासरूम है, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, 10 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं, 10 बॉयज 20 गर्ल्स. हमने उसमें से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो वह स्टूडेंट बॉय हो जाए. अब बॉयज से रिलेटेड कितने हैं? 10. तो फेवरेबल में 10 लिखा जाएगा और पॉसिबल में कितना लिख दिया जाएगा? 30. पॉसिबल में 30 जितने उस क्लासरूम में स्टूडेंट्स होंगे टोटल. तो ये प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, इसी को डेफिनेशन में भी बताया गया था. अब जरा आगे सुनते हैं. ये फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स को लिख दिया गया. ये अंडरस्टूड है कि फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू तो पॉसिबल आउटकम्स से कमी होगी. यहां देखो, फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू तो पॉसिबल आउटकम्स से कमी होनी चाहिए. अगर हम फेवरेबल आउटकम्स को एम से डिनोट करें और पॉसिबल आउटकम्स को एन से डिनोट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं. अगर वह इवेंट ए मान लिया जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने वाले हैं तो इसके लिए फार्मूला बना एम बाई एन. कंडीशन, एम शुड बी लेस देन एन, लेस देन या लेस देन इक्वल टू एन. जब भी आप वीडियो देखें तो कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करें, आप अपने आंसर को थिंक करें, उसके बाद फिर इसे कंटिन्यू करके चेक करें. लेस देन एन या लेस देन इक्वल टू एन, इस पर हमें डिस्कस करना है. चलिए एक बात बताओ, अगर हम एम को एन के इक्वल मान लें, फेवरेबल आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स इक्वल है, तो इनका आंसर कितना आएगा? 1. और 1 की मीनिंग क्या है? वही स्टेटमेंट या इवेंट क्या है? सर्टेन है. और अगर वह स्टेटमेंट या इवेंट सर्टेन है तो क्या हम उसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोबेबिलिटी में आग लग जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे क्या? कभी नहीं. क्यों? क्योंकि 100% श्योर है. लगा के एक दिन देखो, ठीक है? ध्यान दे, कहीं लगा नहीं देना. ये मैं ऐसे ही कह रहा हूं एग्जांपल के फॉर्म में. ऐसा नहीं कि लगा दिया क्या सर ने कहा था लगाने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है. ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई ये 100% श्योर है. अगर कोई स्टेटमेंट 100% श्योर है तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ही क्यों? जरा सोचो, एक कोई क्वाइन है जिसमें दोनों तरफ हेड बने हुए हैं, को टॉस किया, का हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ. अरे प्रोबेबिलिटी क्या, हेड ही आएगा, दोनों तरफ हेड बने हुए हैं, ठीक है? तो लॉजिकली लॉजिकली होना चाहिए एम शुड बी लेस देन. लेकिन कई कई बुक में लिख दिया जाता है एम शुड बी लेस देन इक्वल टू. मेरे हिसाब से लॉजिकली बनना चाहिए एम इज लेस देन एन. आप भी थिंक करना कि क्या होना चाहिए, क्या इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है? तो चलो, ये बुक में लिखा जाता है, हम एज इट इज इसी को फॉरवर्ड कर देते हैं. वह इसलिए क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इसी बेस पर चेक किए जाएंगे. तो ठीक है, तो आप लॉजिक सीख लो, यूज इसे कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं. दूसरी कंडीशन, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से अधिक और 1 से कम होनी ही चाहिए. ग्रेटर देन 0, लेस देन 1. क्यों? क्योंकि सर्टेन और इम्पॉसिबल के बीच में रहेगा. चलो भाई, क्या बात, ये भी ठीक है. थर्ड में एक स्टेटमेंट लिखना है, वो स्टेटमेंट मैं भी लिख रहा हूँ साथ साथ. चलो आप भी लिख लेना जब भी इस वीडियो को आप देखें.
इफ इन एन एक्सपेरिमेंट टू आर मोर देन टू mutually exclusive events are given, then probability of the happening of any one of them is the sum of the probabilities of the happening of the separate events. If in an experiment two or more than two mutually exclusive events are given, then probability of the happening of any one of them is the sum of the probabilities of the happening of the separate event. इसकी meaning क्या है? जरा समझे। अगर किसी एक experiment में दो या उससे अधिक mutually exclusive events दिए जाएं, अब mutually exclusive events की meaning क्या है? जो दो या उससे अधिक events दिए जाएं, वो कभी एक साथ happen ना। उस केस में अगर आप किसी एक के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैलकुलेट होता है उसके सम से। कैसे? देखते हैं। इफ एबीसी एंड सो ऑन बी द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स in an experiment, then PA plus PB plus PC plus and so on equals to 1. इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाए PA plus PB plus PC plus and so on equals to 1. उस एक्सपेरिमेंट में जितने इवेंट्स हुए हैं अगर वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के हैं तो सभी का एडिशन 1 से इक्वेट किया जाएगा और किसी की भी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक कॉइन टॉस किया है, इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं। मान लो एक कोई कॉइन हमने टॉस किया, अब कॉइन टॉस करना तो एक्सपेरिमेंट हो गया, उसमें इवेंट्स कौन कौन से हैं? हेड और टेल, और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। हेड आएगा तो टेल नहीं, टेल आएगा तो हेड नहीं। तो इसकी मीनिंग ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल्स टू 1 होना ही चाहिए। अगर आप किसी एक को यूज कर लें, कोई गिवन हो वैल्यू, तो दूसरे की वैल्यू आप इसलिए निकाल सकते हैं। या अगर हम एक दूसरे एग्जांपल में डाइस का लेते हैं, एग्जांपल डाइस हमने रोल किया, एक्सपेरिमेंट हो गया, 1 से 6 तक ये इवेंट्स हैं और हम ये श्योर हैं कि वे इवेंट्स एक ही कोई हैपन होगा एट ए टाइम, एक साथ दो हैपन नहीं हो सकते। तो इसकी मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल्स टू 1 होगा। और आप अगर चाहो तो चेक करके भी देख लो भाई, डाइस का एग्जांपल और कॉइन का एग्जांपल एक प्री लाइकली को बताता है, हेड आने के जितने चांसेस उतने ही टेल के, इसकी मीनिंग 1/2 + 1/2 = 1 ही होगा। चेक करो। और अगर हम डाइस का एग्जांपल लेते हैं, ये भी इक्वली लाइकली को बताता है, तो 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 ये 1 के इक्वल होगा। अगर ये इक्वली लाइकली का एग्जांपल नहीं होता तो जो एक दिया जाता या दो दिया जाए, हम रिमेनिंग की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो पूछा जाएगा वह इसी फार्मूले के बेस पर निकल जाएगा।
प्रोबेबिलिटी के लिए आपको बता दिया गया कि कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स, और ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करनी है, इसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी है। तो प्रोबेबिलिटी के फार्मूले के बेस पर कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस दिए जाए। उससे पहले मैं चाहता हूं आप प्लेइंग कार्ड देख लें, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले प्लेइंग कार्ड देख लें। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स पहले से जानते हों, कुछ खिलाड़ी भी हों, चलो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ हम सीखते हैं कि प्रोबेबिलिटी में जो प्लेइंग कार्ड यूज होने वाला है, क्योंकि खेलना तो है नहीं, हमें तो केवल पहचानना है। अब प्लेइंग कार्ड इसलिए भी आपको आना चाहिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी में यही तो यूज होगा, वर्ड्स उसके जाएंगे प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड। तो वह वर्ड्स अगर हम अच्छी तरह से जानते हैं तो तुरंत उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो चलो सीखते हैं। अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स, अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स इन विच फोर सूट्स, इन विच फोर सूट्स, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, सभी में 13-13 कार्ड्स होते हैं, सभी सूट में 13-13 कार्ड्स होते हैं। और ये होते कैसे हैं, ये देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A, और इतने ही कार्ड्स क्लब में भी होंगे। 2 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं, उसके बाद अल्फाबेट्स होते हैं। इस तरह से हार्ट में भी इतने ही कार्ड्स होंगे, जैक, ये जे, क्यू, के और ए, और इतने ही कार्ड्स यहां भी यूज हो जाएंगे। स्पेड और क्लब के कार्ड्स ये ब्लैक कार्ड्स होते हैं, तो 26 ब्लैक कार्ड्स हुए और 26 रेड कार्ड्स हुए। ये मैंने रेड और ब्लैक से इसलिए बनाया जिससे आपको समझना आसान हो जाए। देखिए 2 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन ये जो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं इनको क्या कहते हैं, जे को कहते हैं जैक, क्यू को कहते हैं क्वीन, के को कहते हैं किंग, और ए को कहा जाता है एस, एस। तो अगर आप सूट्स की बात करें तो एक एक सूट में 13-13 कार्ड्स हैं, एक एक सूट में 13-13 कार्ड्स हैं। लेकिन आप इंडिविजुअल की अगर बात करें तो हर एक इंडिविजुअल के 4-4 कार्ड्स, क्योंकि हर सूट में से उसका एक एक कार्ड निकलेगा। अब अगर जैक की बात हो रही है तो जैक के टोटल 4 कार्ड्स हैं। कैसे, स्पेड का भी एक, क्लब का भी एक, हार्ट का भी एक, डायमंड का भी एक। हर इंडिविजुअल के, इस वर्ड पर ध्यान दें, हर इंडिविजुअल के 4-4 कार्ड्स हैं और हर सूट के 13-13 कार्ड्स, ठीक है। और अच्छी तरह से अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो साइन मैं बना दे रहा हूं जिससे आप और अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। यह है स्पेड का साइन। जब प्लेइंग कार्ड देखेंगे तो खेलना तो नहीं आएगा लेकिन ये समझ में आ जाएगा कि स्पेड है, क्लब है, हार्ट है, डायमंड है। बहुत अच्छा, अगर नहीं भी बना है तो चलो आप मान लेना, इतना तो होगा, क्लियर हो जाए पिक्चर। क्लब साइन यह होता है, ठीक है। क्लब का साइन यह है, कंप्लीट ब्लैक रहेगा। और हार्ट शेप ये तो आप सभी जानते होंगे, ये हार्ट शेप, और ये डायमंड है। तो अब जब भी आप कभी भी प्लेइंग कार्ड देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन क्या है। जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में
क्वेश्चंस बनते हैं प्लेइंग कार्ड्स पे, तो केवल स्टेटमेंट के बनते हैं, जैसे स्पेड, क्लब, हर्ट और डायमंड इस तरह से, या रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड इस तरह से बनते हैं। तो ये है प्लेइंग कार्ड। किसी भी तरह से ग्रैंड टोटल इनका 52 आता है। ब्लैक और रेड ऐड कर दें तब भी 52, सूट्स को कार्ड से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 52, कार्ड्स को सूट से मल्टीप्लाई कर दो तब भी 52। इसमें आपको एक बात और अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं, हर इंडिविजुअल के 4 कार्ड्स होते हैं, लेकिन अगर सूट और इंडिविजुअल दोनों को एक साथ मिलाया जाएगा तो उसका एक ही कार्ड बनेगा। मेरी बात समझे मैंने क्या कहा? सूट अलग 13 कार्ड्स, हर इंडिविजुअल के 4 कार्ड्स, हमने इन दोनों को मिला दिया, सूट और इंडिविजुअल का एक ही कार्ड बनता है। जैसे अगर मैं कहूं टू ऑफ स्पेड, अब टू ऑफ स्पेड की मीनिंग टू इंडिविजुअल हुआ और स्पेड हुआ सूट का, तो टू ऑफ स्पेड एक ही बनेगा, दोनों मिलाकर एक ही बनते हैं, और वो कार्ड क्या है? ये कार्ड है टू ऑफ स्पेड। ठीक है, दोनों के अलग अलग की मीनिंग आप समझो और दोनों को मिलाने के बाद की मीनिंग समझो। हर इंडिविजुअल सूट के 13 कार्ड्स, हर इंडिविजुअल के 4 कार्ड्स, लेकिन अगर सूट को कार्ड से मिला देंगे उसका फिर एक ही कार्ड बनेगा। प्लेइंग कार्ड के कुछ एग्जांपल्स को हम लेते हैं, प्रोबेबिलिटी से कैसे कनेक्ट किया जाता है जरा समझें इसे। एक प्लेइंग कार्ड से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, वह कार्ड स्पेड का हो गया, आंसर क्या होगा? अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला तो फेवरेबल बाय पॉसिबल है, फेवरेबल के मीनिंग जो इससे रिलेटेड होता है। अब स्पेड से रिलेटेड कितने हैं चेक करो, स्पेड से रिलेटेड तो 13 है, तो 13 डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स 52, तो 13 बाय 52 प्रोबेबिलिटी में आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होना चाहिए, तो 1/4 हो गया। एक प्लेइंग कार्ड से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, वह कार्ड एस का हो गया। अब ये तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के 4 कार्ड होते हैं, तो फेवरेबल में हुआ 4 और पॉसिबल आउटकम से हुआ 52, 1/13। एक प्लेइंग कार्ड से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, वह कार्ड रेड कार्ड हो जाए। अब रेड से रिलेटेड होते हैं 26, तो 26 डिवाइडेड बाई 52 ये हुआ 1/2। एक प्लेइंग कार्ड से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, वह कार्ड टू ऑफ स्पेड हो जाए, टू ऑफ स्पेड एक ही होगा कार्ड, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जब सूट और इंडिविजुअल दोनों एक साथ मिलते हैं तो वह एक ही कार्ड को बताते हैं, 1/52 हो गया। डिवीजन फॉर्म में पॉसिबल आउटकम्स यहां लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से फेवरेबल बाय पॉसिबल के फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी स्टेटमेंट या इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। फेवरेबल बाय पॉसिबल का फॉर्मूला लगाएं और कैलकुलेट करते जाएं। कुछ एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लो हमसे कहा गया कि टू डाइसेस रोल किए गए, उन पर सम, दोनों डाइसेस पर एक साथ सम मोर देन 9 हो, इसके चांसेस क्या होंगे? अब जरा आप समझो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सैंपल स्पेस के बेस पर करेंगे। टू डाइसेस रोल किए गए, अब टू डाइसेस रोल किए गए अंडरस्टूड है, इसमें पॉसिबल आउटकम्स की जगह पर क्या लगेगा? सैंपल स्पेस। टू डाइसेस रोल किए गए, उस केस में दोनों डाइसेस पर सम मोर देन 9 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब आप सैंपल स्पेस देखो, यहां मैंने बनाया है। अब आप क्या करेंगे, चेक करें मोर देन 9 के कितने केसेस बने। फर्स्ट रो में कुछ नहीं है, सेकेंड में कुछ नहीं, थर्ड में कुछ नहीं, फोर्थ में मोर देन 9 में एक ये बना, नेक्स्ट फिफ्थ रो में एक ये बना, एक ये भी बना, नेक्स्ट में एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। तो टोटल बने कितने मोर देन 9 के केस में? टोटल बने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फेवरेबल में तो 6 हुआ, पर पॉसिबल में कितने हो जाएंगे? अब पॉसिबल तो नहीं लिखेंगे, उसके जगह पर आपको सैंपल स्पेस लिखना चाहिए, क्योंकि देखिए सैंपल स्पेस ही तो बड़ी यूज पर। तो फाइनल आंसर आपको जो लिखना चाहिए वह प्रॉबिलिटी मोर देन नाइन सम ऑफ द स्कोर्स, आप पूरा स्टेटमेंट में लिख दे रहा हूं,
सम ऑफ द स्कोर्स, सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ मोर देन 9 इफ टू डाइसेस आर रोल्ड। इसके फेवरेबल में बने थे 6 और पॉसिबल में 36, क्योंकि सैंपल स्पेस 36 होगा, 1/6 या सैंपल स्पेस की बेस पर और भी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे आपका यही 2 डाइसेस का सैंपल स्पेस हमने बना रखा, डबलेट्स आपसे पूछ लिया, डबलेट्स के आने के चांसेस क्या होंगे, डबलेट्स देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये डबलेट्स होते हैं 5, 5, 6, 6, तो 6, 5, 6। मान लो पूछा गया किसी क्वेश्चन में 3 डाइसेस रोल किए जा रहे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 हेड्स इफ 3 डाइसेस आर 3 कॉइंस आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 हेड्स इफ 3 कॉइंस आर टॉस्ड, एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब देखो एग्जैक्टली 2 हेड्स, एक तो ये है एग्जैक्टली 2 हेड्स का, दूसरा ये और तीसरा ये, तो 3 फेवरेबल आउटकम्स में तो आप लिखोगे 3 और पॉसिबल आउटकम्स में क्या लिखोगे 8। अगर आप इससे डिफाइन करते हो सैंपल स्पेस के बेस पर, कैलकुलेशन आपकी इजी होगी, गलती होने के चांसेस नहीं, ठीक है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली सैंपल स्पेस को डिफाइन करेंगे तब आप, जबकि मल्टीपल चॉइस में आपको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था तो टीचर्स ये चेक करते थे सैंपल स्पेस, अब ये चेक तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप ये बना कर करते हैं सैंपल स्पेस तो गलती होने के चांसेस नहीं, इसीलिए आप कोशिश करें बना करके तब मल्टीपल चॉइस हो तो। तो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्लेइंग कार्ड क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, ये सभी मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, बड़ा पॉपुलर सा है, उसके बाद एक और हम वर्ड होती है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो उसमें 53 संडेज होंगे। अब लीप ईयर में डेज कितने होते हैं, लीप ईयर में फरवरी 29 डेज, और इसमें जो डेज होते हैं वह 366 डेज, क्योंकि एक दिन बच जाता है। कैसे बढ़ता है, एवरी ईयर जो नॉर्मल केस में बताया जाता है वह होता है 365 and 1/4 डेज, यह होता है एक साल। अब ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 ऐड होकर एवरी फोर्थ ईयर में एक कंप्लीट डे बना देता है, इसीलिए एवरी फोर्थ ईयर में एक दिन बढ़ जाता है और उसी को लीप ईयर, और उसको एडजस्ट कहां करते हैं, फरवरी में एडजस्ट करते हैं, बेटर 28 के जगह पर 29 डेज, क्योंकि 32 डेज का तो मंथ होगा नहीं ना, इसलिए फरवरी ऐड करते हैं। ये है लॉजिक, आपने इसका फिजिक्स में डिटेल्स पढ़ा, ठीक है। तो चलो हम इसकी बात अभी छोड़ते हैं, हम यहां आते हैं लीप ईयर पर जिसमें 366 डेज होते हैं। अच्छा, वन ईयर में नॉर्मल ईयर में वीक्स होते हैं 52, वीक्स कितने होते हैं 50, वन ईयर में 52 वीक्स होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि 52 वीक्स डेज कितने बनते हैं 364 डेज, 2 डेज पर, हम ये भी श्योर हैं कि एवरी वीक हर सिंगल सिंगल टाइम तो होगा नहीं, एक वीक है उसमें सारे दिन एक बार तो आएंगे ना, संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सभी एक एक बार तो आएंगे, तो 52 वीक्स में सारे डेज 52 टाइम तो आएंगे, और वो कितने डेज को कवर कर लेगा, 364 डेज को कवर करेगा। इसकी मीनिंग ये भी है कि 364 डेज में सारे डेज 52 टाइम्स आ चुके हैं,
364 डेज में जो 52 वीक्स के बेस पर कैलकुलेट हुआ है, सारे डेज 52 टाइम्स आ गए, दो दिन बचे। अब जब सारे दिन 52 टाइम्स आ चुके हैं, जो दो दिन बच गया, अगर उसमें से पहला डे संडे से स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट डे क्या बनेगा? मंडे। और अगर उन दोनों दिन में पहला मंडे से स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट बनेगा ट्यूजडे, अगर पहला ट्यूजडे से स्टार्ट हुआ तो बनेगा वेंसडे, वेंसडे से स्टार्ट होगा तो थर्सडे, थर्सडे से स्टार्ट हुआ तो फ्राइडे, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ तो सैटरडे, और सैटरडे से स्टार्ट होगा तो संडे। ये दोनों दिन जो बचे वह इतने ही तरह से डिफाइन हो सकते हैं, मीनिंग 7 वेज से डिफाइन किया जा सकता है। तो टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 7। अब इसमें संडे आना चाहिए, 53 संडे की बात हो रही है, संडे आना चाहिए। संडे कितने केस में आ रहा है? 1-2। तो अब फाइनल आंसर क्या हो जाना चाहिए? 52 वीक्स मीनिंग 364 डेज में तो सारे 52 टाइम्स आ ही गए थे, हमें एक और दिन चाहिए था, और उस एक दिन के फेवर में देखो दो आए हैं, दो केस ऐसे हैं जिसमें संडे आता है। तो अब 2 और पॉसिबल आउटकम 7, 2। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम तो संडे की ही बात क्यों करें, हम तो मंडे की भी बात कर सकते हैं, ट्यूजडे की भी बात कर सकते हैं, फ्राइडे की भी बात कर सकते हैं, किसी भी डेज के लिए लीप ईयर में आंसर 2/7 ही रहेगा। मंडे भी तो दो बार आ रहा है, फ्राइडे भी तो दो बार आ रहा है, थर्सडे भी तो दो बार आ रहा है। एक कंक्लूजन ये निकलता है कि लीप ईयर के केस में किसी भी डेज का आंसर 2/7। तो अब क्वेश्चन हुआ नॉर्मल ईयर के केस में क्या हो? भाई नॉर्मल ईयर के केस में आप एक बार इसे चेक करके देखो, नॉर्मल ईयर में जो डेज बनेंगे वो 365 डेज बनेंगे, 364 डेज जिसमें सारे वीक डेज 52 टाइम्स कवर होंगे, इसमें सभी डेज 52 टाइम्स कवर होंगे, 52 वीक्स इसमें कवर होते हैं। अब एक ही दिन बचा, वन डे डे। अब जब एक ही दिन बचेगा तो अब वो एक दिन कैसे डिफाइन किया जा सकता है? संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये 7 तो हैं, लेकिन संडे तो एक ही है, संडे के फेवर में 1/7। फ्राइडे पूछा जाता तो भी 1/7। तो फाइनली हम इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, वह ये है लीप ईयर के केस में किसी भी डेज के लिए आंसर 2/7, नॉर्मल ईयर के केस में किसी भी डेज के लिए आंसर 1/7। इन केस ऑफ लीप ईयर प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल द डेज इक्वल्स टू 2/7, एंड इन केस ऑफ नॉर्मल ईयर प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल द डेज इक्वल्स टू 1/7। काम ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका यह है, अगर आप समझना चाहते हैं तो यह है। एक स्टेटमेंट जरा देखो, अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि एक प्लेइंग कार्ड से एक कार्ड ड्रॉ करो, वह कार्ड स्पेड का, इसके चांसेस क्या? स्पेड के फेवर में 13 है, 13/52, 1/4। 1/4 की मीनिंग है जिस स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते थे वो इवेंट हैपन हो गया और उसके चांसेस आ गए 1/4। 1/4 की मीनिंग उस इवेंट के हैपन होने के चांसेस, या उस इवेंट के हैपन होने के चांसेस 25%, सबकी मीनिंग एक ही। वह इवेंट हैपन हो गया 1/4, उस इवेंट के हैपन होने के चांसेस 1/4, वह इवेंट हैपन हो गया इसके चांसेस 25%, बात सबकी एक ही। वो इवेंट हैपन नहीं हुआ इसके चांसेस क्या होंगे? 75%, या 1-1/4। अगर मैं यहां कहूं कि प्रोबेबिलिटी स्पेड नहीं हुआ, डू नॉट स्पेड, तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1-1/4, भाई जो हैपन हो चुका है उसको 1 से सेपरेट कर दो, तो ये कितना आया? 3/4। ये क्या है? इस पहला क्या है स्टेटमेंट? इवेंट हैपन, और ये क्या है? इवेंट डज नॉट हैपन।
इवेंट आकर, इवेंट डज नॉट आकर, बात देखिए ये क्या है, इवेंट आकर मीनिंग जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते थे वो हैपेंड हो, और ये क्या है, इवेंट डज नॉट आकर। थ्री बाई फोर, जो इवेंट डज नॉट आकर होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जो इवेंट डज नॉट आकर होता है, इवेंट डज नॉट आकर को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर आप किसी भी इवेंट को ए मानते हैं, अगर आप किसी भी इवेंट को ए मान लें तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को, उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को डिनोट करते हैं ए रेस्ट पार सी या ए डैश या ए बार। हम यहां यूज करेंगे इस चैप्टर में ए बार, इसे कॉम्प्लीमेंट्री। अब जरा समझो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जिसे हम ए बार से नोट करें वो आया कैसे, वो आया है वन में से इवेंट हैपन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, या हम ये भी कह सकते हैं कि पी ए इवेंट हैपन प्लस पी ए बार इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन, क्योंकि तभी तो वन में से सब्ट्रैक्ट होने के बाद आया। तो कभी भी अगर किसी इवेंट के हैपन होने के चांसेस आपको दिए जाए और इवेंट के हैपन ना होने के चांसेस को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो वन में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर आ जाए, क्योंकि दोनों का एडिशन वन, और यह है उसका एक्सप्लेनेशन, इसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। और हम डिनोट उसमें किसी एक से कर सकते हैं, लेकिन हम यूज करेंगे कि ए बार, आप किसी दूसरे से भी करते कोई गलती नहीं। तो ये था प्रोबेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन। बच्चों ये अच्छी तरह से ध्यान रखें कि अगर ये एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है और अपने रजिस्टर पर इसके अकॉर्डिंगली लिख लिया है, तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए प्लीज आप एक्सरसाइज को करने से पहले एक्सप्लेनेशन जरूर अच्छे तरह से देखें, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है हर एक एक्सरसाइज से पहले। और मैं तो ये कह रहा हूँ केवल इसी तरह हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर देंगे, क्योंकि अगर उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो उससे रिलेटेड होगा उसमें आपका पेन रुकेगा नहीं, स्मूथ आप सॉल्व करते चले जाएंगे, डाउट्स आपके मिनिमम है।